जय हिंद बच्चों बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट कुछ सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि जो आपके 29 सितंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने पहला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से या बंगाल से? तो ये बच्चों, ये चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे, तो काफ़ी बड़े समाज सुधारक थे। वास्को डिगामा भारत के कलिकट पहुंचा था, सभी बच्चों को पता होगा 1498 में पहुंचा था। कलिकट कहाँ है? केरला में है। और वास्को डिगामा किस कंट्री से बिलोंग करता था, किस देश से बिलोंग करता था, जरा बताइएगा। ठीक है, यही पहले थे जो कि भारत में आए हुए थे। दीव उपनिवेश था, तो 227 का बच्चों आपका आंसर है पुर्तगाल का। ठीक है, इसके बाद है 1612 में गुजरात में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया, तो किसने किया था? क्या ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, स्पेन ने या डच ने? तो बच्चों ये स्थापित किया था ब्रिटिश ने। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 229, 1661 में चार्ल्स द्वितीय से कंपनी ने प्राप्त किया, क्या प्राप्त? बॉम्बे, मद्रास, कानपुर या कलिकट? तो बच्चों कंपनी ने जो प्राप्त किया वो प्राप्त किया था बॉम्बे, तो एक संधि हुई थी जिसके तहत इनको बॉम्बे दिया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स 1772 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? तो ये किया गया था बच्चों बंगाल का। ठीक है, क्वेश्चन 231 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही आंसर 1573, 1673, 1773 या 1873? तो राइट आंसर है बच्चों 1773, 1773 को। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? ठीक है, हैदर अली का एक बेटा था जो मारा गया था, इसके बाद इस साम्राज्य का अंत भी हो गया, तो इसका बेटा कौन था हैदर अली का, जरा सा बताइएगा। हैदराबाद, कोची, मैसूर या बंगाल? तो ये बच्चों मैसूर का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 233 है, मैंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि किसके बीच में हुई थी। बच्चों इसलिए पूछता हूँ सवाल कि इसी बहाने आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 1784 में हुई थी मैंगलोर की संधि। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, 234 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1917 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनका गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, और आपके सामने 235 है, 235 है आपका, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचारित की गई थी, कब की गई थी? तो ये 1872 में की गई थी। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी, किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रा इसको आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, सूरत विभाजन के समय 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आपको बताना चाहूँगा बच्चों, उस समय कांग्रेस थी, उसमें दो दल, गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। उग्र दल था जो कि मतलब अनुनय विनय प्रार्थना नहीं करना चाहता था, वो उग्र होकर अपनी बातों को अपनी को रखना चाहता था, इस वजह से कांग्रेस जो है दो गुटों में बढ़ गई थी। तो ये डॉक्टर रास बिहारी घोष उस समय उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 237 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेन गुप्ता या विजयलक्ष्मी पंडित जी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ था? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली या बम्बई? तो आधुनिक वाली जो मिल बच्चों लगी थी वो लगी थी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 239, ये सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? सभापति पूछ रहा है, तो उमेश चंद बनर्जी थे, कभी कभी डब्ल्यू सी बनर्जी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित एक के साथ समझौता के बाद स्थगित कर दिया? ठीक है, तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड लिटन? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 241,
किनके बीच तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे, डच और पुर्तगाल, डच फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, या डच या ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बताना चाहूँगा उस समय जब कंपनियाँ आईं बच्चों तो कई कंपनियाँ आ गई, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच की आई, ऐसे ही कई देशों की आई, तो वो लोग भारत पर कब्जा करने के लिए अपने बीच में भी लड़ाइयाँ लड़ते रहे थे ताकि भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर सकें। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ठीक है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीती तो फ्रांसीसियों का हमारे ऊपर शासन रहता, ठीक है, कुल मिलाकर शासन ही रहता। इसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत दिया, तो ये बच्चों काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वॉरेन हेस्टिंग, लिटन, रिपन या डलहौजी। तो ये डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का दिया था। ये सिद्धांत में होता क्या था बच्चों कि कोई भी है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको झांसी का, झांसी की रानी का आपने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो इन्होंने डलहौजी ने क्या किया कि कोई भी राज्य, जैसे झांसी वो राज्य था जहां पर कि राजा रानी को कोई भी अपना बच्चा नहीं हुआ, इन्होंने गोद ले लिया। तो इसने नियम डलहौजी ने बना दिया कि कोई भी राजा रानी जिसके बच्चे नहीं होंगे वो उसको अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत नीति थी, एक तरफ से ये लोग हड़पना ही चाहते थे, तो इसी पर डलहौजी ने ये नीति बनाई थी। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट है वो कौन सी नीति है। सशस्त्र क्रांति 31 मई 1857 को रद्द करने के पीछे कौन व्यक्ति था, ये था आपका तात्या टोपे। 244 है ईश्वरचंद विद्यासागर किस निम्नांकित पर दबाव दिए जाने के कारण जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों बहुत बड़ा काम किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी, जो भी लेडीज़ बच्चों जिनके पति मर जाते थे किसी भी वजह से तो उनका विवाह नहीं हो पाता था पहले, विडो का, ठीक है। तो उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह स्टार्ट किया और अब तो शादियां हो रही हैं, अब कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। 245 है जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल या महाराष्ट्र। तो बच्चों आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर जूट उत्पादन होता है वो होता है बंगाल में अभी भी, तो प्रधान केंद्र उस समय भी था और अभी भी है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सुधारवादी युग का समय, कि जब सुधार आया हमारे आंदोलनों में सुधार आया तभी तो धीरे धीरे देश को आज़ादी प्राप्त हुई, ठीक है। ये है 1885 से 1905 का कार्यकाल, तो ये इम्पॉर्टेंट, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सुधारवादी युग के नेता नहीं थे, तो ये जो सुधारवादी युग चला था 1885 से 1905 तक, तो उनमें कई नेताओं ने काम किया था, ठीक है। नहीं थे पूछ रहा है, तो इसमें कौन कौन थे सुधारवादी युग के नेता, तो बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है इसमें से, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये तीन ही हैं, तीन में से ही वो गांधी जी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसका जो आंसर होगा नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 248 है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आदिवासी विद्रोह हुआ था बच्चों, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई या सिद्धू कानू, तो सिद्धू कानू थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 है किसने तीन खंडों को फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखा, ठीक है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो है के दत्त। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इस तरह के वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बच्चों, मैं जरूर बनाऊँगा। थैंक यू।